जहां सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर लगा दिया प्रतिबंध, आखिर क्यों लगा दिया? और आपको बता दें, भारत के लिए एक बड़ा रास्ता खोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यूएई क्यों भेज रहा है अपने मिराज विमानों को भारत? सऊदी अरब और यूएई, इन दोनों ने बिल्कुल वो काम कर दिया है जो इस वक्त सोचना आसान नहीं था। जानेंगे इसका क्या असर पड़ने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत को कैसे फायदा ही फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब ने हमेशा से अपने देश के लिए वो काम किया है जिससे कि वो कट्टरपंथी सोच की तरफ नहीं बढ़े। खास करके जब से प्रिंस का शासन आया, तब से सऊदी अरब में कई तरह के बदलाव हुए, जहां महिलाओं के लिए भी कई सारे काम किए सऊदी अरब के प्रिंस ने, तो वहीं उस तरह के काम करने शुरू कर दिए जिससे कि कट्टरपंथ को हवा न मिले। और खास तौर पर अफगानिस्तान को देखकर सारे देश सीखने लगे हैं। अब अफगानिस्तान को देखकर मुस्लिम देश भी अपने यहाँ ऐसा कोई भी स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहते हैं जिससे कि भविष्य में उन्हें समस्या हो। अब पाकिस्तान का केस ऐसा है कि अंटी में नहीं है ढेला और देखन चलिए मेला। ईरान बन नहीं सकता है पाकिस्तान, सऊदी अरब बन नहीं सकता है, यूएई बन नहीं सकता है। ऐसे में धीरे धीरे पाकिस्तान इंच दर इंच अब तालिबान बनने के लिए तैयार हो रहा है और उस दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जो ये बड़े देश हैं, अरब देश हैं, वो इस खतरे को भांप रहे हैं और इस खतरे को भांप कर अपने ही देश में एक्शन लेना शुरू कर रहे हैं। अब सऊदी अरब ने सीधे सीधे तबलीगी जमात पर जो एक्शन लिया है वो सिर्फ एक मामूली एक्शन नहीं है, बल्कि उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये आतंकवाद का दरवाजा है और समाज के लिए खतरा है। ये आप देख सकते हैं आर्टिकल जिसमें साफ साफ सऊदी अरबिया ये कहता हुआ दिख रहा है। अब तबलीगी जमात में ऐसा क्या है, तो आपको बता दें, वैसे तो तबलीगी जमात एक सुन्नी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी शुरुआत हुई थी भारत में ही, लेकिन ये धीरे धीरे फैलता चला गया और पाकिस्तान में इसके तो बहुत सारे अनुयायी है। ये लोग ये कहते हैं कि हम ऐसा कोई बात नहीं करते हैं, हम आतंक की बात नहीं करते हैं, हम समाज के लिए किस तरीके से हो गए डेंजर, हम तो सिर्फ ये बात करते हैं कि लोगों को जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद रहते थे वैसे ही रहना है, वैसे ही दाढ़ी रखनी है, उन्हीं नियमों का पालन करना है, हमने कहां आतंक के लिए कुछ किया है। तो आपको बता दें, इस ऑर्गेनाइजेशन के 350 से 400 मिलियन अनुयायी हैं पूरे दुनिया में और सबसे बड़ी संख्या है वो दक्षिण एशिया में है। 150 देशों में इसकी पहुँच हो चुकी है। और ये सऊदी अरब ही नहीं है जिसने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है, बल्कि उज्बेकिस्तान ने तो सीधे सीधे ब्लैक लिस्ट कर दिया है और इसके अलावा भी कई देश हैं जो इसे ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं। अब कारण क्या है, तो कारण ये है, क्या है, विकिलीक्स ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे के तहत ये कहा है कि तबलीगी जमात को आधार बनाकर कई सारे आतंकी दूसरे देश का वीजा लेते हैं, यानी ये जो ग्रुप है इसमें घुस कर पहुँच जाते हैं। खैर, अब सऊदी अरब ने ये करके बाकी देशों को भी एक रास्ता दिखलाया है कि ऐसे संगठनों को बैन करने से पीछे मत हटो और कहीं न कहीं ये भारत के लिए भी एक संदेश है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत और यूएई के कई हथियारों में बहुत समानता है और यूएई ने हमेशा भारत को हथियारों को खरीदता देख के हमेशा उन हथियारों को जरूर अपने पहले चॉइस में रखा है। यही वजह है कि आप देखेंगे दोनों की फ्लीट में काफी कुछ समानता मिलती है। हालांकि इस बार 80 राफेल का रिकॉर्ड डील कर लिया है यूएई ने फ्रांस के साथ, पर ये डील जहां अमेरिका को एक चैलेंज है यूएई की तरफ से। दरअसल इसमें यूएई की कोई गलती नहीं है, F-35 को लेकर बाइडेन ने आकर रोक लगा दी। ट्रंप ने तो F-35 की डील यूएई से कर ही ली थी, पर बाइडेन ने जो रोक लगाई उसका असर ये हुआ कि यूएई ने अपने रक्षा से समझौता नहीं किया और फ्रांस से इन विमानों को खरीद लिया। हालांकि यूएई वो देश है जो अपना जियोपॉलिटिकल रिलेशन दुनिया के हर देश के साथ सही रखा है, इसलिए यूएई ने बाद में ये बयान दिया था F-35 की डील की बात अभी तक ऑन है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, राफेल और उसका कोई जोड़ नहीं है, दोनों का कंपेरिजन करना भी गलत होगा। और इन सब के बीच में भारत की भी एक खबर एक्सपोर्ट की भौंए तना रही है। दरअसल इन दिनों
दोस्तों, सेकंड हैंड मिग और सेकंड हैंड मिराज खरीदना चाह रहा है और खरीदने के लिए ऑर्डर भी दे रहा है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भारत चाहे तो सेकंड हैंड 4.5 जनरेशन का राफेल जेट्स भी तो खरीद सकता है, जिससे उसकी वायुसेना और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। हाल ही में फ्रांस ने क्रोएशिया के साथ डील की और क्रोएशिया को करीब एक दर्जन राफेल F3R फाइटर जेट को दिया क्रोएशिया की वायुसेना को। और आपको बता दें, क्रोएशिया ने MiG-21 की अपनी फ्लीट को रिप्लेस कर दिया है राफेल की फ्लीट से। करीब $1.1 बिलियन का मेगा डील किया क्रोएशिया ने फ्रांस के साथ। तो वहीं फ्रांस और ग्रीस की भी डील हुई और ग्रीस ने भी अपने MiG-21 को 2024 तक पूरी तरीके से राफेल से रिप्लेस करने के लिए $2.8 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फ्रांस के साथ। फिलहाल शुरुआत 18 फाइटर जेट से की, पर इसके साथ साथ पुराने 12 सेकंड हैंड फाइटर जेट भी खरीद रहा है ग्रीस। तो भारत से ये प्रश्न हो रहा है कि आखिर जो जिन देशों ने राफेल का नया वर्जन खरीदा, उन्होंने सेकंड हैंड वर्जन भी खरीद लिया, पर भारत ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? भारत खरीदना चाह रहा है सेकंड हैंड मिराज 2000 और MiG-29, और भारत चाह रहा है कि इसे दिया जाए इस तरीके से कि ये फ्लाई कंडीशन में हो। तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि पहले से MiG-29 और मिराज 2000 विमान है भारत में, ऐसे में भारत मिराज 2000 की और MiG-29 की फ्लीट को और मजबूत करना चाहता है, ताकि जल्द से जल्द लड़ाई की कंडीशन के लिए ये विमान तैयार रहे। जहां नए फाइटर जेट्स को खरीद रहा है, तो वहीं पुराने फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने में इनके कंपोनेंट का इस्तेमाल हो और जो फ्लाई कंडीशन में हो उनका इस्तेमाल सीधे जंग के मैदान के लिए भी किया जा सके। अब इसमें भारत की बड़ी मदद कर रहा है UAE। दरअसल UAE के पास बड़ी संख्या में मिराज विमान है और UAE करीब 59 मिराज 2000-9 और 7 मिराज 2000R का इस्तेमाल करता है। अब UAE इन विमानों को इजिप्ट को, मोरक्को को और भारत को देना चाहता है, वो भी बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि मोरक्को को कुछ फाइटर जेट फ्री में दे रहा है, तो वहीं भारत को भी कुछ मिराज जेट दे रहा है फ्री में। वैसे आपको बता दें, भारतीय एयरफोर्स ने 27 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 24 मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांस से, ताकि इसके स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल कर सके अभी के जो फ्लीट है मिराज 2000 के, उसको अपग्रेड करने के लिए और उसमें जो कुछ भी कमियां हैं उसे ठीक करने के लिए, ताकि जो करंट फ्लीट है उसको 2040 तक चलाया जा सके। वैसे आप क्या सऊदी अरब के निर्णय से सहमत हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।